मुसाफिर कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कुशवाहा की राजनीति आप करते हैं, आप तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अभी। जी, सम्राट चौधरी नेता हैं आपके समाज के? नेता नहीं है वो, अभी हमारा भाजपा ने उसको उपेंद्र जी को काट काटने के लिए वो एक लीडर पैदा किया गया, मगर वो लीडर है नहीं। अच्छा, एक पार्टी नहीं बन रही है, नवादा जिले के ही निशिकांत सिन्हा जो कुशवाहा समाज से आते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, तो कैसा रहेगा उनकी पार्टी का? हम तो उनको धन, सबसे पहले निशिकांत जी को बहुत बहुत धन बात देता हूँ कि उन्होंने कुशवाहा समाज का मान सम्मान जो सारे पार्टियाँ आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो और जो पार्टियाँ हैं सब ठगने का काम किया है, और सारे पार्टी समय पर काम लेता है, जब टिकट देने की बारी आता है तो लॉलीपॉप देकर के इसको टिकट किसी और को दे दिया जाए, कैसे तो इनका स्वाभिमान जागा है निशिकांत जी को, कुशवाहा के प्रति, अपने समाज के प्रति। हम उनको, उनके परिवार को, जो उनके माता पिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ऐसे बेटा को जन्म दिया और कुशवाहा समाज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने ठाना है कि हम भी जिस तरह से सारे पार्टियां बिहार में टिकट बांटता है और दूसरे लोग कुशवाहा समाज जाके भीख मांगता है टिकट के लिए, उस तरह दूसरा समाज को भी हमारे दरबार में आवे, हम भी टिकट बांटेंगे और हमारे क्या भी गिगिया है, ये ऐसा सोच। इसलिए निशिकांत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, फिर उन्होंने साहस किया है। तो उपेंद्र जी के साथ रहिएगा कि चल जाएगा पलटी मारिएगा? ये तो नवादा नहीं, पूरे बिहार में ये परिस्थिति कहेगा कि मान सम्मान के साथ अगर टिकट, बीजेपी जिस तरह से हमारे 24 में टिकट नहीं दिया, कुशवाहा समाज के एक भी टिकट नहीं दिया एमपी में, अगर लोकसभा में नहीं दिया, अगर विधानसभा में भी हमारा जो आबादी के हिसाब से वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, 11.5% हमारी आबादी है बिहार में और 11.5% के हिसाब से हम ये नहीं कहता कि सब टिकट, एक मिनट, हमारा सब टिकट नहीं दीजिए, मगर हमारा जितना हक है उतना टिकट चाहिए और उतना हमको हक नहीं मिलेगा तो हम लोग फैसला लेंगे, निशिकांत जी पार्टी बनाएंगे या को बनाए, अगर मान सम्मान के साथ अगर टिकट नहीं दिया भाजपा, आरजेडी, कोई पार्टी, जदयू, तो हम लोग फैसला लेने के लिए तैयार हैं और निशिकांत जी पार्टी बनाए और हम लोग कुशवाहा पूरे बिहार में उनको साथ देंगे, इसलिए कि जो मान सम्मान कुशवाहा को खेल कर रहा है इधर 90 के बाद से, अब वो बर्दाश्त कुशवाहा समाज नहीं करेगा और इसके लिए तैयारी चल रही है। और निशिकांत जी जैसा आदमी हम जगदेव बाबू के बाद, हमारे सम्राट ये अशोक सम्राट के बाद हम भारत का शासक थे, आज हमारे भीख मांगना पड़ रहा है दूसरे, हम राजा थे, हम इस देश का शासक थे और हम आज दूसरे के यहाँ हाथ पसारते हैं। निशिकांत जी का अपना स्वाभिमान और उनका खून का असर है सम्राट अशोक सम्राट का, जगदेव प्रसाद का, कि उनको जेहन जागा है, उनको मैं बधाई देता हूँ कि आगे लड़ाई लड़िए, आपके साथ पूरे बिहार में कुशवाहा समाज ही नहीं, गरीब गुरबा सब साथ देने के लिए तैयार है, जो कई जात तैयार हैं जी, हम भी तैयार हैं, पूरे हम उस समाज है तब हम हैं। मैंने कुशवाहा की नई पार्टी बनेगी तो हिट होगी पार्टी? एकदम हिट होगी, एकदम हिट होगी, सब पार्टी, जब आरजेडी हिट हो सकता है, जदयू 1% वाला हिट हो सकता है, तो हमारी तो 11.5% आबादी, जदयू नीतीश कुमार की आबादी 2.8% है सर, वो 2.2 पॉइंट नहीं है हमारा, 1% उसकी बिहार की आबादी है सर, सच पूछिए, वो हमारे ये क्या कहते हैं कुर्मी जाति में हमारे कई शाखा को जोड़ लिया गया है, जबकि उसकी है नहीं हमारे साथ। तो अगर निशिकांत सिन्हा पार्टी बनाते हैं जी तो पार्टी बिहार में नंबर 1 पार्टी होगी, स्वाभिमान की बात है सर। तो कुशवाहा की एक नई पार्टी बनने वाली है बिहार में और पहले से दोनों नेता मौजूद हैं, एक की अपनी पार्टी है, एक बीजेपी में है, जो पार्टी बना के राजनीति कर रहे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा और जो भाजपा में है वो सम्राट चौधरी, जो नई पार्टी बनाने वाले हैं उनका नाम है निशिकांत सिन्हा। तो पूरी बातचीत को लेके क्या कहना है आपका, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।